हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपको एक बहुत ही प्यारा डबल कलर का स्वेटर डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक बहुत छोटा सा बेबी स्वेटर बनाया है। ये मैं 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ। ये मैंने एक स्वेटर बनाया है, ये देखो छोटा सा है, और इसको मैंने डबल कलर में बनाया है। बीच में मैंने इसको थोड़ा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए हल्का सा इसमें रेड कलर लगा दिया है। जो आपके पास जो भी ऊन है, बचा हुआ वूल है, वो आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल डिजाइन है, बहुत इजी पैटर्न है और एकदम से रेडीमेड लुक में है। आप चाहें तो ये डिजाइन किसी भी बेबी स्वेटर में, अपने लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, किसी में भी ये गर्ल्स टॉप में बना सकते हैं। ये देखिए बहुत इजी डिजाइन है। ये मैंने यहाँ पर 60 फंदे डाले हैं और यहाँ पर मैंने बॉर्डर के बाद 65 फंदे किए हैं। ये मेरा बैक का पीस है और ये मैं फ्रंट का पीस अभी बना रही हूँ। ये मैंने इसमें दोनों स्लीव्स बनाई हैं। ये देखिए, ये मैंने इसकी दोनों स्लीव्स बनाई हैं। स्लीव्स में मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाले हैं और बॉर्डर के बाद यहाँ मैंने इसमें 40 फंदे कर लिए हैं। फिर मैंने वही हर पांचवी सिलाई में दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया है और ऊपर यहाँ पर मैंने 60 फंदे किए हैं। फिर मैंने 3, 2, 1 वही नॉर्मल घटाई की है, फिर सारे फंदे घटा दिए हैं। अब ये डिजाइन हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको छोटे से सैंपल में बनाकर दिखा देती हूँ। इतने बड़े में बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने आपके लिए केवल कुछ फंदों में बनाऊंगी। ये मैंने वैसे इसका ग्राफ भी तैयार किया है। ये देखो, ये मैंने इसका ग्राफ तैयार किया है। ये देखो, ये एक व्हाइट फंदा है, एक व्हाइट, 5 ग्रीन, एक व्हाइट, 5 ग्रीन, ऐसे हमें इसका ये ग्राफ करना है। आप चाहें तो इस ग्राफ की हेल्प से भी बहुत इजीली बना सकती हैं, और अगर आपको ग्राफ से समझ नहीं आता है तो मैं आपको पूरा बनाना बता रही हूँ। वैसे आप ग्राफ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत जल्दी ये वाला डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ फंदे डाले हैं सैंपल के लिए। ये अब ये डिजाइन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। देखो, ये बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर के बाद हम फिर ये वाला डिजाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर के बाद देखिए, ये देखो बॉर्डर के बाद हमने यहाँ पर 4 सिलाई प्लेन बनाई है। आप चाहे तो बनाए प्लेन और चाहे तो नहीं बनाए। मैंने प्लेन सिलाई बनाई है। अब हम इसमें दूसरा धागा यूज करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने एक फंदा ग्रीन बनाया और एक फंदा अब हम क्रीम बनाएंगे। ये हमने व्हाइट बनाया, अब हम 5 फंदे ग्रीन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और एक 5, ये हमने 5 फंदे ग्रीन बनाए। अब हम फिर से एक फंदा व्हाइट बनाएंगे। ये फिर हम 5 फंदे ग्रीन बनाएंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है, 1, 2, 3, 4 और 1 5। ये हमने 5 ग्रीन और 1 व्हाइट, पूरी सिलाई हमें 5 ग्रीन और 1 व्हाइट की बनानी है। ये देखिए, हमने 5 ग्रीन 1 व्हाइट 5 ग्रीन 1 व्हाइट। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं यहाँ, और उल्टी सिलाई में हम ये देखिए, ये हमने ग्रीन बनाया। ये अब जो व्हाइट फंदा है, जहां पर व्हाइट वाले के पास वाला, इसके इधर और इधर आजू बाजू दोनों साइड ये व्हाइट बनेगा, ये वाला हम व्हाइट बनाएंगे। इसके बराबर वाला हमने व्हाइट बनाया और व्हाइट को हमने
ग्रीन बनाया, व्हाइट वाले को हम ग्रीन बनाएंगे, ये देखो, और फिर इसके बराबर वाले को हम व्हाइट बनाएंगे ऐसे, ये। अब हमारे पांच की जगह तीन ग्रीन आएंगे, एक दो तीन, ये हम तीन फंदे ग्रीन बनाएंगे, एक दो और एक तीन, ये हमने तीन फंदे ग्रीन बनाए, एक दो तीन। फिर जो व्हाइट है व्हाइट के बराबर वाला, ये हम व्हाइट बनाएंगे और व्हाइट को ग्रीन बनाएंगे ऐसे, फिर से एक व्हाइट बनाएंगे ये, और यहां पर हम तीन ग्रीन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से एक व्हाइट बनाएंगे ये बराबर वाला, ये व्हाइट को ग्रीन बनाएंगे और इसके बराबर में हम फिर से व्हाइट बनाएंगे, ये देखिए ऐसी हमारी दो सलाई हो गई है। अब हमारी थर्ड रो आ गई है, ये जो व्हाइट फंदा है इसको हम ग्रीन बनाएंगे, ये ग्रीन बनाया, ये जो बीच का एक फंदा है इसको भी हम ग्रीन बनाएंगे, और ये जो व्हाइट है इसको भी हम ग्रीन बनाएंगे। अब इसके बराबर वाला जो बीच में तीन फंदे थे इसमें से हम एक व्हाइट बनाएंगे, चाहे तो आप एक छोटा सा सैंपल बना सकते हैं इसी तरह, ये व्हाइट बनाया, अब हम एक ग्रीन बनाएंगे, और अब हम फिर से एक व्हाइट बनाएंगे, ये देखिए ये जो एक दो तीन, ये तीनों फंदे हम फिर से ग्रीन बनाएंगे, व्हाइट वाला भी और ग्रीन, और ये फिर से व्हाइट, इन तीनों को हमें ग्रीन बनाना है, फिर से एक व्हाइट बनाना है, फिर एक ग्रीन, फिर एक व्हाइट, और एक दो तीन, ये तीनों हमारे ग्रीन बनेंगे, एक दो और एक तीन, और ये वाला हमारा व्हाइट रहेगा, ये देखो ऐसे। अब हमारा नेक्स्ट सिलाई में इन दोनों के बीच में जो ग्रीन है ये वाला व्हाइट बनेगा, ये वाला, ये व्हाइट वाले को हम ग्रीन बनाएंगे, ये भी ग्रीन बनाएंगे, ये ग्रीन है, ये जो बीच के तीन फंदे हैं तीनों ग्रीन बनेंगे ये। अब जो ये तीन फंदे हैं, एक व्हाइट एक ग्रीन एक व्हाइट, तो इसका ये व्हाइट वाला हम व्हाइट ग्रीन बनाएंगे और ग्रीन वाले को हम व्हाइट बनाएंगे ऐसे। अब इसको फिर से हम ग्रीन बनाएंगे, अब हमारी फिर से पांच फंदे ग्रीन आ जाएंगे, एक दो तीन चार और एक पांच, ये हमारे पांच फंदे ग्रीन आ गए हैं। अब हम एक फंदा व्हाइट बनाएंगे, फिर पांच ग्रीन बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे वाला ये वाला जिगजैग पैटर्न खत्म हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं चार सलाई सिंपल प्लेन बना लेती हूँ बीच वाली, ये देखिए हमारी चार सलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम ये बीच वाला पैटर्न बनाएंगे, इसके लिए हमें शुरू में एक फंदा ग्रीन, अब हम एक फंदा व्हाइट बनाएंगे, फिर एक ग्रीन बनाएंगे, फिर एक व्हाइट बनाएंगे, ये देखो एक व्हाइट एक ग्रीन एक व्हाइट, अब हम तीन फंदे ग्रीन बनाएंगे, एक दो तीन, अब हम फिर से एक फंदा व्हाइट एक ग्रीन और एक फंदा व्हाइट बनाएंगे, फिर से तीन ग्रीन बनाएंगे,
एक दो और एक तीन, फिर से एक वाइट और एक ग्रीन और एक फंदा वाइट बनाएंगे। ये देखिए, एक बार हमें एक ग्रीन बनाना है और एक बार तीन ग्रीन बनानी है, ऐसे। अब हम उल्टी रो पर आ गए हैं और यहाँ पर हम जो हमारा एक वाइट है इसको एक बुनेंगे, ऐसे। जो सिंगल ग्रीन है इसको ग्रीन ही बुनेंगे सिंपल, ऐसे। ये जो है वाइट, एक वाइट ये और एक वाइट ये, इसको मिलाते हुए हम दो वाइट बुनेंगे, एक ये वाला वाइट और एक ये वाला वाइट, दो वाइट। अब हम एक ग्रीन बनाएंगे, एक ग्रीन, फिर दो वाइट बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक और एक, दो वाइट। ये जो सिंगल ग्रीन है ये सिंगल ही रहेगा, फिर से दो वाइट, एक ये वाला वाइट और एक तीन वालों में से लेंगे। यहाँ पर फिर से एक ग्रीन आ जाएगा, फिर दो वाइट आ जाएंगे, एक और एक दो, फिर एक ग्रीन आ जाएगा, फिर दो वाइट आ जाएंगे। मतलब पूरी सिलाई हमारी मीन्स ये देखो, दो वाइट एक ग्रीन, दो वाइट एक ग्रीन, ऐसे रहेगी। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें जो हमारा ग्रीन फंदा दिख रहा है ये फंदा हम रेड बनाएंगे और जो व्हाइट दिख रहे हैं वो फंदे हम ग्रीन बनाएंगे। अब हम यहां आ गए हैं, जो व्हाइट फंदे हैं वो ग्रीन और जो ग्रीन दिख रहा है वो रेड। दो फंदे हमें व्हाइट दिख रहे हैं, ये दोनों हम ग्रीन बना देंगे ऐसे, और जो हमें ग्रीन दिख रहा है उसको हम रेड बनाएंगे ऐसे। फिर से दो ग्रीन, बहुत इजी पैटर्न है। ये देखो, दो ग्रीन, फिर से ग्रीन वाले को रेड, व्हाइट वालों को ग्रीन और ग्रीन वाले को रेड, फिर से ग्रीन, फिर से रेड, ग्रीन, दो ग्रीन एक रेड, और उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। जो ग्रीन है वो ग्रीन और जो रेड है वो रेड रहेंगे। ये देखिए, हमने ये दूसरी सिलाई बना ली है सेम। अब हमारे पास दो सिलाई ये आएंगी, ये भी बहुत सिंपल है। जो फंदे हमारे ग्रीन है वो हमारे व्हाइट हो जाएंगे। ये ग्रीन बुने थे ये व्हाइट हो जाएंगे, और जो रेड बुना था वो ग्रीन हो जाएगा। फिर से दो व्हाइट हो जाएंगे और रेड वाले को हम ग्रीन बना देंगे, ग्रीन वाले को व्हाइट बनाएंगे और रेड वाले को ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमारी इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगी। सेकंड सिलाई हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। जो हमारा व्हाइट फंदा है वो व्हाइट होंगे और जो ग्रीन फंदे हैं वो ग्रीन रहेंगे। ये व्हाइट है तो व्हाइट रहेगा और ये ग्रीन है ग्रीन, ये दोनों व्हाइट है व्हाइट रहेंगे, ये जो ग्रीन है वो ग्रीन रहेगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में हमें यहाँ मैंने चार चार सिलाई प्लेन की है। आप चाहें तो दो दो भी कर सकती हैं या छः छः भी कर सकती हैं, बट मैंने ये चार चार सिलाई प्लेन की है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बहुत इजी है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसका ग्राफ आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए,
ये देखिए आप इस ग्राफ की हेल्प से बहुत ईजली एक एक फंदा गिनकर ये डिज़ाइन बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।